हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने डिपार्टमेंटल चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल का सारा कॉन्सेप्ट समझा, डिपार्टमेंटल अकाउंट है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स पर हम लोगों ने चर्चा किया था। डिपार्टमेंटल अकाउंट का फॉर्मेट यानी परफॉर्मा हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा था, कैसे हम लोग को बनाना है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो है डायरेक्टली हम लोग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे जिस डिपार्टमेंट का ये खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अलोकेशन यानी उन खर्चों का निर्धारण, यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये सारा जो कल हम लोगों ने सीखा उसका अप्लीकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, चलो जी। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डिपार्टमेंट ए टेलीविजन, डिपार्टमेंट बी टेप रिकॉर्डर, डिपार्टमेंट सी सर्विस आफ्टर सेल। यानी डिपार्टमेंट ए में टेलीविजन बिकता है, डिपार्टमेंट बी में टेप रिकॉर्डर बिकता है, डिपार्टमेंट सी में ये सर्विस डिपार्टमेंट है, यहाँ सर्विसिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। सेल ऑफ टेलीविजन एंड टेप रिकॉर्डर इज मेड इन द शोरूम। जो आपका टेप रिकॉर्डर और जो टेलीविजन है ये शोरूम में बेचा जाता है। सर्विस आफ्टर सेल इन द वर्कशॉप, और वर्कशॉप में सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है। एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से एक्सपेंसेस अलोकेट किए जाएंगे। सैलरी एंड वेजेस जो है वो शोरूम में 2/3 और वर्कशॉप में 1/3। आगे चल के सैलरी एंड वेजेस ऑफ शोरूम 1:3, आगे हम लोग बात करेंगे। रेंट 500 पर मंथ जो है वर्कशॉप का लगना है, बाकी का जो शोरूम में लगना है, और इक्वली दोनों डिपार्टमेंट में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स बेसिस पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सब बात, ये सब चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब है आपका परचेज किया है टेलीविजन, डिपार्टमेंट ने ये टेलीविजन इतना परचेज किया है, टेप रिकॉर्डर ये रहा, और सर्विस एंड रिपेयर में इतना खर्च हुआ है। सैलरी एंड वेजेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है। तो ये आपका जॉइंट यानी पूरे बिजनेस का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया गया है, और फिर आपका जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है 27,000। सेल्स, ये तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। डिपार्टमेंटल अकाउंट हम लोग को बनाना है। चलो जी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक हमारा टोटल के लिए कॉलम, एक हमारा सर्विस के लिए, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, इतना पर्टिकुलर्स के लिए चाहिए जगह। फिर से आपका टोटल, सर्विस, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न और पर्टिकुलर्स के लिए। पर्टिकुलर्स, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, सर्विस और टोटल। फिर से पर्टिकुलर्स, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, सर्विस और टोटल। आइए, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग को अलग अलग अमाउंट ट्रांसफर करना है। सबसे पहले परचेजेस हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। टू परचेजेस, टेलीविजन का परचेजेस 1,47,000, 90,000 टेप रिकॉर्डर का परचेजेस है, और सर्विस डिपार्टमेंट में 65,000 है। इसके बाद क्रेडिट साइड आ जाते हैं, सेल्स
150, 1 lakh और 25,000 टोटल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 275 2,75,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 60,000 20,000 45,000 1,25,000 चलो जी इसका टोटल कर लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने सेल्स ट्रांसफर कर लिया है और हम लोगों ने सेल्स ट्रांसफर कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस ट्रांसफर कर लिया है। सैलरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस जो है वो पीएल अकाउंट में जाने लायक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दिख रहा आपको दिख रहा होगा ये जॉइंट एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसका हम लोग टोटल कर लें 147,90 और 65, ये आपका हो जाएगा 3,02,000। क्रेडिट साइड का टोटल दो और एक तीन और एक 4,00,000, ये हो गया आपका 70,000, 1,20,000, 2,10,000 1,20,000 4,00,000 तो ये हो जाएगा आपका 98,000 का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहां दिख रहा है। बैलेंसिंग फिगर को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये 98,000, 5,000 यहां हो जाएगा, 30,000, 2,10 तो ये हो जाएगा 63, तो 63, 35 और 98,000। क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, जो सीडी था वो बीडी हो जाएगा 63,000, 30,000, 5,000 और 98,000। चलो जी अब आगे, अब हम लोगों को जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये तीन, सैलरी एंड वेजेस, रेंट और अदर एक्सपेंसेस, ये तीनों ट्रांसफर करना होगा। सैलरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस टू सैलरी एंड वेजेस। अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस ये है आपका 48,000, 12,000 और 11,000, रेंट और अदर एक्सपेंसेस। चलो जी इस तीनों का अलग, अच्छा सैलरी एंड वेजेस अगर है तो हम लोग सैलरी को प्रीफर करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते, सिर्फ वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी पीएल अकाउंट में और सैलरी एंड वेजेस तो भी पीएल अकाउंट में। चलो जी तो हमारे पास सैलरी है, इस सारे एक्सपेंसेस का एलोकेशन निर्धारण कैसे करना है देखिए। सैलरी एंड वेजेस कहता है शोरूम में 2/3, वर्कशॉप में 1/3, ठीक है जी। चलो तो पहले यही कर लेते हैं हम लोग, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस का। देखिए
ये एक्सपेंसेस और ये तीन हो जाएगा, हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। ये हो जाएगा टेलीविजन में, टेप रिकॉर्डर में, सर्विस डिपार्टमेंट में। चलो जी, तो सैलरी वाला जो एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस, ये आपका अमाउंट कितना है? 48,000। तो पहले तो ये 48,000 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होना है 2/3 शोरूम, ये दोनों जो है शोरूम में है। देखिए ये रहा बात शोरूम और वर्कशॉप। तो शोरूम में क्या है कि सैलरी एंड वेजेस जो है 2/3 शोरूम में ट्रांसफर होना है। तो 48,000 का 2/3 और 1/3, ये हो जाएगा 32,000, 16,000। ये जो 32,000 है, फिर आगे चल करके, अब देखिए ये जो 48,000 का जो हमारा सैलरी एंड वेजेस है, इसका 2/3 जो है ये आपका जाएगा शोरूम में। शोरूम में 32,000 चला गया है। ये जो 32,000 है, अब ये ट्रांसफर होना है दोनों में, ये दोनों में ट्रांसफर होना है किस रेशियो में? क्वेश्चन कहता है सैलरी एंड वेजेस जो है शोरूम में ट्रांसफर होना 1:3 रेशियो में, यानी इस 32 को 1:3 करेंगे, यानी 32,000 का 1:3 है, तो फिर कितना हो जाएगा जी? 1/4 एंड 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा तो 8,000, और 3/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 24,000। ये रहा, यहाँ 16,000 तो रहा ही, ठीक है। तो सैलरी एंड वेजेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना है 8,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। रेंट कितना होना है ट्रांसफर? रेंट वर्कशॉप का है 500 पर मंथ, बाकी के जो है शोरूम में दोनों आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रेंट, तो रेंट जो है 500 पर मंथ, 6 महीने के लिए हम लोगों को बनाना है, 6 मंथ के लिए है ना। देखिए फॉर द हाफ ईयर, क्वेश्चन में ही देखिए आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड द बैलेंस शीट फॉर द हाफ ईयर है ना, ये 6 महीने के लिए है। तो जब ये 6 महीने के लिए है तो हम लोग को 6 महीने के लिए ही सारा काम करना है। तो 6 महीने का हम लोग को रेंट कैलकुलेट करना है। तो रेंट हो जाएगा वर्कशॉप का 5×6=30, 3,000 रुपया इसका रेंट हो जाएगा। बाकी बचा आपका रेंट, रेंट आपका 12,000 है, 3,000 वहाँ चला गया, बचा 9,000, 4,500 हो जाएगा रेंट इधर, और इधर हो जाएगा 4,500 रेंट। अदर एक्सपेंसेस जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ सेल्स, सेलिंग, सेल्स बेसिस पर, सेल का क्या रेशियो है जी? देखिए 1,50,000, 1,00,000 और 25,000। सेलिंग रेशियो 1,50,000, 1,00,000 और 25,000, ये रेशियो हो जाएगा आपका 6:4:1। चलो जी, इस रेशियो में बांट देंगे, ये 11,000 है तो 6,000, 4,000, 1,000। चलो जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ 8, 24, 16। सैलरी हो जाएगा 8,000, 24,000, 16,000। रेंट में यहाँ हो जाएगा आपका 3,000, बाकी दोनों में इक्वली, यानी 4,500। अदर एक्सपेंसेस जो है ये 11,000 है, 6,4,1, तो 6,000, 4,000, 1,000 ट्रांसफ़र कर दिया, सारा एक्सपेंस हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। चलो जी, अब क्रेडिट साइड का टोटल है ये सर ज़्यादा 98,000।
98,000 में से हम लोग ये माइनस कर लेंगे 48, 12 और 11, तो हमारे पास बचेगा ये नेट प्रॉफिट 27,000। 27,000 का हो जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट। इसके बाद अब 5,000 इधर हो जा रहा है आपका 16, 3, 19 और एक 20,000। 20,000 का टोटल है, सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल 20,000 हो रहा है उधर, इधर भी 20,000। इसमें तो हो जाएगा आपका लॉस, तो करेंगे बाय नेट लॉस, 15,000 का लॉस हो जाएगा। अब है 24, 4, 28, 4, 32,500, इसमें भी लॉस दिख रहा है 32,500। 2,500 रुपये का लॉस दिख रहा है फिलहाल इधर, 2,500 रुपये का लॉस है। अब आ गए टेलीविज़न डिपार्टमेंट में, तो टेलीविज़न में 8, 4, 12, 12 और 6, 18,500, इसमें तो प्रॉफिट होना चाहिए 63,000। प्रॉफिट हो रहा है आपका 44,500, 45,000, 44,500। चलो जी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें हम लोगों ने एक्सपेंसेस का जो डायरेक्ट एक्सपेंस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका एलोकेशन ही हम लोगों को मेन डिस्ट्रीब्यूट करना था, जैसा ही क्वेश्चन में कहा है। तो आप एक बार पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपका ये जो सॉल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आज का हम लोगों ने किया है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अलग दूसरे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।